खुश आहदीद आप देख रहे हैं समाज और मैं हूँ मुनीबा मजारी उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे इस प्रोग्राम को करने का मकसद समाजी रवैयों को बदलना है ताकि हम एक बेहतर इन्वामेंट में ख़ुद भी रहें अपने बच्चों के लिए भी हम एक अच्छा इन्वामेंट छोड़ कर जाएँ मगर उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में मेरी और मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि जितने भी अच्छे इनिशियटिवस लिए जा रहे हैं हमारे समाज में हम उनको अप्रीशिएट करें उनको हाईलाइट करें मैं हमेशा कहती हूं कि इस समाज में अगर जुल्म करने वाले लोग हैं तो दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं अगर यहाँ मुश्किलात हैं तो यहाँ उन मुश्किलात का हल भी है यहाँ आसानियां फैलाने वाले लोग भी हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम इनिशिएटिव पर कर बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान ने लिया है और वो है एहसास राशन प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत सारे पाकिस्तानियों की ज़िंदियाँ आसान हो जाएंगी आई एम श्योर बहुत से सवाल उठ रहे होंगे आपके जहन में उन तमाम सवालों के जवाब इन शाला आज हम इस प्रोग्राम में आपको देंगे और मेरी एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है जिनसे आपकी मैं मुलाकात करवाऊँगी वो कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी मगर उससे पहले मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है आइए देखते हैं पाकिस्तान से ग़र्बत के खात्मे के लिए वज़ी अजम इमरान खान के विजन के तहत हुकूमत का बड़ा इकदाम एहसास प्रोग्राम मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जानब एक अहम कदम है ये प्रोग्राम गुरबत को कम करने और निचले तबके की बहाली के हवाले से आलमी मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है इसके लिए 120 सौ बीस अरब के तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है ये प्रोग्राम पचास हजार रुपए ऐसी कम माहाना आमदनी वाले अफराद को कराना या यूटिलिटी स्टोर ऐसी रियायती नरखों आरोप आटा घी और दाले खरीदने के काबिल बनाएगा इसमें सरकारी मुलाजमत वाले अफराद भी शामिल हैं जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके पास अपने कम्प्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ दुरुस्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है रजिस्टर्ड खरीदार राशन कार्ड जारी करने के बाद 30% फीसद सब्सिडी आरोप नामजद कराना या यूटिलिटी स्टोर ऐसी राशन खरीद सकेंगे एहसास राशन प्रोग्राम के तहत दो करोड़ रजिस्टर्ड खानदानों को हर माह एक हजार रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी इस मकसद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताउन से एक वेब पोर्टल का इजरा किया गया है मुस्तहक अफराद को तस्दीक के दो मराहल से गुजरना होगा एक शनाख्ती कार्ड के ज़रिए कवायफ की तस्दीक की जाएगी और दूसरा दिए गए नंबर पर ओ टी पी कोड भेजा जाएगा एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफ़ होने वाले अपने मोबाइल में बाकायदा इसकी ऐप डाउनलोड कर सकेंगे पाकिस्तान की साठ फीसद आबादी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेगी मजीद फ़वाद मुतारफ करवाने के साथ साथ रकम में भी इजाफा किया जा सकता है Essas russian program is a wonderful initiative, or there say many initiatives that the government of pakistan, a slowly, slowly highlight karengi, mehman kaun hai. it's an absolute honor to have her on the show. i've always admired her for all the amazing work she's doing. she's none other than dr. sania Nishter. Assalamualaikum, dr. saiba. a very Salaam. warm welcome. Salaam, व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ आप स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल प्रोटेक्शन इसके अलावा शी इज़ लीडिंग एहसास प्रोग्राम डॉक्टर साहब मैं एहसास प्रोग्राम की जब वेबसाइट देख रही थी तो देर वॉज अ लिस्ट ऑफ अमेजिंग प्रोग्राम्स जो मैं चाहती हूँ कि कुछ के नाम मैं लोगों के साथ हाईलाइट करूँ और शेयर करूँ एहसास कफालत प्रोग्राम एहसास इमरजेंसी कैश एहसास नशो नुमा इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड द लिस्ट गोज़ ऑन ये तमाम शुमार बहुत सारे काम जो आप लीड कर रही हैं डॉक्टर साहिबा इससे पहले हम आ, राशन की तरफ चलें मुझे ये बताइए कि कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन और इतनी मोटिवेशन आती है टू स्टेप आउटसाइड एवरी डे एंड टू हेल्प पीपल सबसे पहले तो मुनीबा आपने प्रोग्राम बनाने में बुलाने का बहुत शुक्रिया आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यूर्स यू डू वंडरफुल जॉब वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच इंस्पिरेशन uh, जो है देखिए जब जब आप ऑन ग्राउंड किसी की ज़िंदगी में चेंज होता देखते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है uh, मुझे याद है जब हम एहसास इमरजेंसी कैश की ऑपरेशंस कर रहे थे तो uh, प्राइम मिनिस्टर साहब को uh, लड़काना हम ले गए थे जी, जी. तो वहाँ एक कैंप था और वहाँ एक आदमी uh, बैठा हुआ था और उसकी जो हवाई चप्पल थे उस पर चार जगह पैबंद लगे हुए थे और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने आया था तो उसने अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे मगर बेहतरीन था हाँ और आ, आ, और उसके हाथ में बारह हज़ार रुपये थे तो मैंने उससे पूछा कि अब आपके लिए तो बारह हज़ार ये बहुत से लोग हमारे नाजरन के लिए बारह हज़ार तो कोई भी चीज़ भी नहीं है शायद वो अपने एक रेस्टोरेंट में ये बिल दे दें तो उसने कहा पूरे साल का काम हो गया है पूरे साल का पूरे साल का उसने कहा कि मैं नौ सौ रुपये या पता नहीं पंद्रह सौ रुपये के केले खरीदूँगा और मैं पाँच सौ रुपये की रेड़ी जो है उसको किराए पे लूँगा और मैं चार सौ रुपये रफली घर मुनाफा ले जाया करूँगा रोज़ाना और मेरी तो बच्चियों की यूनिफॉर्म भी बन जाएंगे और घर में खाना पीना भी होगा बहुत हफ्तों से बच्चों ने ठीक खाना नहीं खाया और हम जितने लोग वहाँ थे वी कुड नॉट स्टॉप कोर्स कि जब आप ट्रांसपेरेंटली और उसने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तो किसी सिफारिश के बग़ैर मुझे ये चीज़ hmm. मिल गई है मुझे तो कभी wow. कुछ नहीं मिला इट वॉज सो टचिंग तो जब आप ऐसी जब स्टेट मशीनरी एक दयानतदारी से और गैर जानबदाराना अंदाज से hmm. हरकत में आती है hmm. और मिलियंज ऑफ लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है तो वो बड़ा आ, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है mm. आ, मगर ये खाली मेरा काम नहीं है वी आर सपोर्टेड बाई द प्राइम मिनिस्टर टू डू द राइट थिंग और अक्सर तो लोग मुझे फील्ड में देखते हैं लोगों के साथ मगर अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमें जो सपोर्ट है वज़ी अजम की टू डू द रिंग बिल्कुल वो इस चीज़ की सक्सेस बनाने में एक बहुत ही एहसास की सक्सेस में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है मुझे ये लव्स एहसास बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं, जो कि बड़ा मटीरियलिस्टिक दौर है यहाँ लोग बेहिस होते जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब का था आइडिया ये आपका एक इंटेंसिव कंसल्टेशंस का प्रोसेस था डिफरेंट ग्रुप्स का पी एम में सुबह भी कोई बीस लोगों से मुशावरत होती थी आ, लंच के बाद फिर बीस तीस लोगों से मुशावरत होती थी आ, ताकि हम अपनी लाहे अमल अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्म अप करें पॉलिसी डायरेक्शन को फॉर्म अप करें तो उस वक्त एक कंसल्टेशन में हम डिस्कस रहे थे कि नाम क्या होगा जी, जी। तो सेनेटर फैसल का ये आइडिया था कि हम एहसास प्रोग्राम का एहसास नाम रखें Beautiful. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि हमने एक बहुत बड़ा पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लाना है दैट्स सो अमेजिंग माशाल्लाह डॉक्टर साहब अगर हम बात करें राशन प्रोग्राम की तो आम अल्फाज में बताइए आसान अल्फाज में आम पाकिस्तानियों को कि ये क्या है और क्या सोच कर आपने इस राशन प्रोग्राम का आगाज़ किया देखिए इसकी आ, इसकी दो ड्राइविंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एक तो क्योंकि महंगाई है अब और ये महंगाई जो है ये पूरी दुनिया में इस वक्त है लार्जली एक इंपोर्टेड महंगाई है और उसके तदारुक के लिए आ, जो गवर्नमेंट है वो बहुत कॉन्शियस है कि हमने कुछ करना है कॉन्क्रीटली करना है जल्दी से जल्दी करना है नंबर एक मगर ये जो राशन प्रोग्राम की जो तश्कील है और इसका जो डिज़ाइन है इस पर आज पिछले कुछ कम से कम डेढ़ साल से बात हो रही है और काम हो रहा है और इसकी जो दूसरी ड्राइविंग मोटिवेशन है वो ये है कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशंस हुई थी कि पाकिस्तान में अनटारगेट अं सब्सिडीज़ का क्वांटम क्या है ट्रिलियंस में हैं वो आ, वीट पे है वो आ, पावर में द, 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 बिजली के ऊपर है जी और वो बहुत सी ऐसी मदों में अनटारगीटेड सब्सिडीज़ हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे अगर हकूमत सब्सिडाइज करती है आटा चीनी दाल ऑयल तो वहाँ आप भी जा के ले सकती हैं और मैं भी जा के ले सकती हूँ तो काफ़ी अरसे पहले ये एक बुनियादी फ़ैसला हुआ था कि तमाम जो अन टारगेट सब्सिडीज़ हैं उनको ग्रेजुअली विद्रा करके सब्सिडीज़ को टारगेट किया जाए यानी कि जो कम आमदनी वाले घराने हैं वही उससे मुस्तफ़ हो सकें यानी कि यूटिलिटी स्टोर पर आप और मैं जाएं तो हमें तो पूरा नर्ख देना पड़े जी। और जो आ, कोई, कोई आ, कोई जो डिजर्विंग जो है, डिजर्विंग है सब्सिडी उन्हीं के हाथ में जाए तो ये बुनियादी फैसला काफी अरसे पहले ही हुआ था और उसका निजाम जो था हम पिछले कम से कम कोई छह महीने से उस पर काम कर रहे हैं रहे। मगर अब क्योंकि हमारे सामने महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा है इसलिए हमने उसको फास्ट ट्रैक किया कि हम जल्दी से जल्दी उसको उस पर अमल दरामद करें तो ये ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एक शॉर्ट टर्म क्विक एंड डर्टी सा सोल्यूशन नहीं है जो हम ला रहे हैं ऑलरेडी अभी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं 120 अरब की हम वो एक इस फिस्कल ईयर के होराइज़न में उसको देख रहे हैं मगर इन इस किस्म का जो प्रोग्राम है उसको जारी रखा जाएगा और जो गवर्नमेंट का जो कैश असटेंस का प्रोग्राम है जो एहसास फालत का प्रोग्राम है उसके साथ इसको हम हाइब्रिड अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसको डफटेल करें कैसे करेंगे उस पर इन बहुत जल्द ही एक स्ट्रैटी uh, सामने amazing. आ जाएगी द बेस्ट थिंग यू सेड इज़ कि ये एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान जी हाँ डॉक्टर तो साहब जब इसकी डेटा कलेक्शन हुई बिकॉज आप कैसे ये तयन करें कि कौन डिजर्विंग है कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है आपका बहुत अच्छा सवाल है मुनीबा That's जो एहसास का नेशनल इकोनॉमिक सर्वे उस पर काम पिछले तीन साल से चल रहा था right. और हमने वो एक एक्सरसाइज अभी कंक्लूड की है uh, इनशाला किसी वक्त आके मैं तफसील पे आपको तफसील में आपको इस ब्रीफिंग दूंगी मगर वो हमने घर घर जाके एक डिजिटल किया है प्रैक्टिकली एक डिजिटल okay. है डोर टू डोर टैबलेट्स पे हमने डेटा कलेक्ट किया है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का जी। उसमें हमने इनकम नहीं पूछी ओके। okay. उसमें हमने घरानों की जो माशी हा, हा, हालात हैं उनको मेजर करने के कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स अगर शेयर कर दें तो इट वुड बी अमेजिंग जैसे घर क्या कच्चा है या घर पक्का है घर hmm. में गाड़ी है मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कुछ भी नहीं है घर में टीवी है फ्रिज है वॉशिंग मशीन है घर wow. में कितने लोग रहते हैं तो इससे एक सोशो इकोनॉमिक स्कोर सब घरानों hmm. का निकलता है तो एक तो हमने ये एक्सरसाइज किया कि पूरे मुल्क में hmm. ये डिजिटल सेंसस कंप्लीट किया है और फिर हमने हर तहसील में रजिस्ट्रेशन uh, डेस्क लगा दिए okay. क्योंकि हर सर्वे में कुछ लोग मिस uh, आउट हो जाते हैं हालांकि आज की डेट में हमारा सर्वे जो है वो 107 सौ सात फीसद मुकम्मल है wow. यानी कि जो फेडरल ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने हमें जितने घरानों की uh, लिस्ट दी थी एक्चुअल ऑन ग्राउंड घरानों से ज़्यादा थे तो हमारा सर्वे 107 परसेंट uh, पे स्टैंड करता है right. मगर अभी भी कुछ घर हैं जिनके घर पे ताला होगा या उन्होंने सर्वे टीमों को आ, अपने का वाइफ दिए नहीं होंगे नहीं तो, नहीं। तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क हमने लगा दिए हमारे जो अब तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस सर्वे की बुनियाद पर हों होंगे क्योंकि जो सर्वे है उसमें हमारे पास थर्टी एट मिलियन फैमिलीज और थर्टी टू मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है क्योंकि एक हाउस होल्ड में यानी कि एक घर में एक से ज़्यादा ख़ानदान भी रह सकते हैं दो भाई रह सकते हैं Okay. तो अब चाहे वो एहसास किफालत हो एहसास स्कूल आ, के आ, वजीफे हों एहसासशिप हो एहसास नशो हो, एहसास बिलासूद कर्ज़ा हो एहसास आमदन हो एहसास राशन रियायत का प्रोग प्रोग्राम हो जो हमारे तमाम जो ये प्रोग्राम्स हैं एहसास की, की, की फैमिली के जो प्रोग्राम्स हैं इनकी तमाम की टारगेटिंग यानी कि मुस्तकिन का जो तयन है वो इस नए सर्वे की बुनियाद पर होगा ठीक है सही डॉक्टर साहब ये जो राशन प्रोग्राम है उसके लिए कम अज कम कितनी आमदनी होनी चाहिए पहला सवाल और दूसरा ये कि एक फैमिली में अगर दो भाई कमा रहे हैं और उसकी कमाई को मिलाया जाए और एक सर्टेन अमाउंट बनती है क्या वो दोनों भाई अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जी हाँ हमारे सबसे पहले आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आपके तब से मैं लोगों को कुछ राशन प्रोग्राम के बारे में बुनियादी बातें बता दूँ एक तो ये कि एक घराने में दो भाई रह सकते हैं चार भाई भी रह सकते हैं राइट right. एक भाई की अगर बीवी और चार बच्चे हैं, वो हमारे हमारे सिस्टम में एक फैमिली है राइट right. ठीक है दूसरी भाई की बीवी है और दो बच्चे हैं, वो एक फैमिली है है अगर एक घराने में एक छत के नीचे चार भाई भी रह रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में उनको चार फैमिलीज गिना जाएगा ठीक और वो चारों अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है मगर अगर एक मियाँ बीबी की चार ग्रोन अप बच्चे हैं और वो अप्लाई करेंगे और माँ बाप भी अप्लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम उसको एक खानदान लेगा और उसमें से एक को मुस्तक ठहराएगा ठीक है तो पहली तो ये बात हो गई दूसरी बात ये कि घराने अब हमने कल वेब पोर्टल जो है उसका इजरा किया है वेब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होनी है ठीक है और वेब पोर्टल जो है उसमें घरानों ने फैमिलीज ने खानदानों ने अलहदा रजिस्टर होना है किरिया मालिकान ने अदा रजिस्टर होना है घरानों की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ये आ, और अब मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि वो इस वक्त अगर वो वेबसाइट दिखा दें जी बल्कि मैं बता भी देती हूँ वेबसाइट है जी जिस पर आप जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं वो है एहसास राशन डॉट पी एस एस डॉट जी ओ वी डॉट पी के और ये स्क्रीन पर भी आ रही होगी इस पोर्टल पे जाकर यू कैन गेट योर नेम रजिस्टर्ड जी डॉक्टर साहब तो जो घरानों जो, 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 जो फैमिलीज़ जो घराने जो ख़ानदान रजिस्टर होंगे उनके लिए ये लाजिम है कि जो मोबाइल सिम है वो आईडी कार्ड के नाम पे हो बिल्कुल ठीक अब एक घर आने में ये लोगों की मर्जी पे है चाहे वो बाप रजिस्टर करना चाहता है या जवान बेटा है वो रजिस्टर कराना चाहता है या घर की खातून अपने आप को रजिस्टर करने जाती मगर जब वो किरियाना दुकान पे जाएंगे तो वो एक अपना शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड के नंबर पर मोबाइल फोन लेके जाएंगे क्योंकि जैसे कि आपने वीडियो कल की वीडियो में देखा होगा मोबाइल फोन पे कोड आता है और वो कोर्ट दुकानदार को एंटर करना होगा और ये हमने इसलिए किया है कि इसमें करप्शन ना हो कि ऐसा नहीं कि वो एक एक बंदे का आईडी कार्ड दूसरा ले जाए बिल्कुल तो एक तो घरानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है ठीक। अब आ, कुछ हमारी जो पब्लिक कम्युनिकेशन में इकतीस हज़ार पाँच सौ आ, की आमदन का जिक्र आया है और मैं ये जरूरी समझती हूँ कि मैं उसकी वजाहत कर दूसरी हमारे सिस्टम में जो गुर्बत का स्कोर होता है वो हमारे कागजों में एक इनकम को कॉरेस्पॉन्ड करता है यानी कि एक आमदन को जी, मगर अगर किसी के घर में ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ज्यादा इनकम ज्यादा आमदन वाला भी उस स्कोर पे आ जाएगा है। तो लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी आमदनी पचास हजार से कम है वो इस र, इस सिस्टम में अप्लाई करें क्योंकि एन मुमकिन है कि आपका ख़ानदान इस एहसास राशन रियायत के लिए अहल ठहराया जाए amazing. और दोबारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक घर में दो भाई रह रहे हैं See. और एक की पैतालीस हजार तनख्वाह है एक की पचास हजार तनख्वाह है तो वो दोनों अलीहदादा रजिस्टर कर सकेंगे ठीक हो गया और दूसरी मैं ये वजाहत करती चाहूँ की जो जो किरियाना मालिकान है जी। उनके लिए दुकान का होना और बैंक अकाउंट का होना जरूरी है लोगों के लिए बैंक अकाउंट किसी का अगर नहीं है तो उस कोई हर्ज नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं दोबारा कहना चाहती हूँ शिनाख्ती कार्ड पे मोबाइल सिम के साथ मगर किरियाना मालिकान के लिए आ, द, बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और किराना जरूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कोई मिनी मार्ट हो आपकी एक छोटी सी भी दुकान हो आपका खोखा भी हो तो आप आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं ऑनलाइन दुकानें नहीं आ सकती मैं कल ही अपनी ट्विटर ट्रेल पे जो लोग फीडबैक uh, दे रहे थे वो मैं देख रही थी तो एक किसी बहन uh, ने बच्ची ने लिखा हुआ था कि मेरी ऑनलाइन दुकान है मैं दुकान नहीं ले इनशाला नेक्स्ट स्टेज पे हम ऑनलाइन uh, दुकान वालों को भी शामिल करेंगे मगर फिलहाल ऑनलाइन इसमें की शमूलियत नहीं है future, Sahib, अगर कोई शख्स जिस तरह अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो पोर्टल पर गए हैं उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया है क्या उनको कोई मैसेज मिलेगा कन्फर्मेशन का कि आप इसके लिए रजिस्टर हो चुके हैं एंड यू आर एलिजिबल जी बिल्कुल okay. जब कोई जाएगा तो फिलहाल तो उन सबको एक्नोलिजमेंट आ रही है ठीक okay. है आपकी दरख्वास्त आ गई है और आपका ट्रैकिंग नंबर ये है ओके अब दो हफ्ते बाद Okay. हम आ, एक खोल देंगे उस पर एक आइकन खोल देंगे कि जी दरखास्त नंबर डालें और अपना स्टेटस देख लें मगर तो जो उन्होंने नंबर एक नंबर दो ये कि जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया होगा हुँ. उस पर हम मैसेज भी भेज देंगे इक्यासी इकहत्तर से जो हमारा एहसास का नंबर है इक्कासी इकहत्तर से मैसेज आएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं आ, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें अहल ठहराए जाएंगे Uh, मुझे मालूम है कि इस वक्त बहुत लोग हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर हो रहे होंगे uh, बहुत से लोग जो हैं वो वेब लिटरेट नहीं जी मगर मोबाइल फोन सबके पास अक्सर घरानों में एक मोबाइल फोन तो होता है बिल्कुल अच्छा मोबाइल फोन जो है लोगों के रजिस्टर करने के लिए आम मोबाइल फोन का भी शिनाख्ती कार्ड के साथ नंबर देना हमारे लिए काफी है ठीक क्यों सिर्फ किरियाना मालिक के लिए एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है क्योंकि उसने ऐप डाउनलोड करनी होगी मैं दोबारा वजाहत कर दूँ वेबसाइट पे दो आइकन्स हैं okay. एक जनरल पब्लिक के लिए जो इस प्रोग्राम से मुस्तिद होना चाहते हैं एक किरियाना मालिकान के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि उनकी दुकान से सामान फरोख्त होगा hmm. और उनको इनाम भी मिलेंगे और उनको स्पेशल कमीशन भी मिलेगा Wow. इस पे हम डिटेल में जरूर डिस्कशन करेंगे इसके मगर तो, दो चीजों की बहुत ज, आ, द, आ, द, समझने की जरूरत है कि बैंक अकाउंट को होना सिर्फ आ, किरियाना, मालिकान, मालिकान के लिए, के ही के ही जरूरी, के लिए है। जरूरी है और मोबाइल फोन का एंड्रॉयड मोबाइल फोन होना और ऐप को इस्तेमाल करना सिर्फ किरियाना मालिकान के लिए जरूरी है जो जनरल पब्लिक है वो बस सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के ऊपर अपनी सिम रजिस्टर अगर उनके पास है तो बहुत अच्छा और अगर फोन हजार रुपए वाला भी फोन है सबसे पुराना मॉडल भी है वो भी ठीक है क्योंकि हमने उनको सिर्फ मैसेज भेजना है उनके लिए क्योंकि अक्सर मुझे लोग लिख रहे हैं ना कि जी हम हम तो हम हम, आ, हम तो बैंक अकाउंट कैसे खोलें हम आ, हमारे पास तो एंड्रॉयड फोन, नहीं, फोन है। नहीं है सिंपल तो फोन बेटे का आईडी कार्ड के नंबर पे फ़ोन रजिस्टर है वो जाके हमारे पोर्टल पे कर ले है। अगर किसी को पोर्टल इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो किसी से रिक्वेस्ट कर ले वो नेट कैफ़े पे चला जाए मगर जब वो अपने वाइफ जमा कराएं तो अपना शनाख्ती कार्ड और अपने नाम का मोबाइल रजिस्टर कर दें फिर वो हमसे उनका कनेक्शन बन जाएगा डॉक्टर साहबा हमने ऐप की बात की मैं चाहती हूँ कि इन हम आपको थोड़ी देर में ही दिखाएंगे कि जिस ऐप का जिक्र कर रही हैं डॉक्टर साहबा उन्हीं की वजाहत करदा एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसको देख कर आपको ये अंदाजा होगा कि आप इस राशन ऐप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है आप अपने घर आने को रजिस्टर कराने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं जिसका पता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हर घर से एक ही दरखास्त दी जा सकती है इसलिए आपको घर के एक फर्द को चुनना होगा और इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फोन नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा क्योंकि दुकान से रायती सामान घर आने का रजिस्टर्ड फर्द ही ले सकेगा इस बात का खास ख्याल रखें कि उस फर्द का मोबाइल फोन और सिम उस ही के शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो रजिस्ट्रेशन के अमल के शुरू होने के चार हफ्ते के अंदर अंदर आपको इक्यासी इकहत्तर ऐसी अहलियत का एस एम एस पैगाम मौसू होगा किरियाना मालिकान भी इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं हकूमत ने किरियाना मालिकान के लिए खसूस पैकेज का ऐलान किया है इस पैकेज के तहत किरियाना मालिकान को हर एहसास राशन सेल पर शानदार कमीशन दिया जाएगा इसके अलावा हर तीन माह बाद बेहतरीन जरिए गाड़ियाँ मोटरसाइकिल मोबाइल फोन और दीगर कीमती इनाम भी दिए जाएंगे अपनी किराना दुकान को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका मोबाइल फ़ोन आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए किरियाना दुकानदार का बैंक अकाउंट होना लाजमी है और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करीबी शाख से फ़ौरन रुजू करें जब किरिया मालिकान और घराने दोनों रजिस्टर हो जाएंगे तो अहल घराने का फ़र्द अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन ले जाकर मखसूस राशन की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा जब आप किरियाना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शनाख्ती कार्ड अपने फोन पर एहसास में दर्ज करेगा और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी, जिनके नीचे उनकी कीमतें भी लिखी होंगी अगर ग्राहक ने 20 किलो आटा लेना है तो दुकानदार पहले कीमत देखेगा अगर इसको कीमत बदलना होगी तो वो कीमत बदल देगा और वो कीमत लिखेगा जिस पर आटा उसने गाहक को बेचना है